बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग ये सोच रहे हो कि मैंने गोवा के लिए तो होटल बुक करा लिया है, फ्लाइट बुक करा लिया है यार, अगर मैं इसे कैंसिल करा दूंगा तो क्या होगा यार, मुझे बहुत छोटा अमाउंट मिलेगा, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भाई आज की वीडियो पूरे अंत तक देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप गोवा के लिए कोई ट्रेवल मत करना बात करना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि गोवा में लॉकडाउन लग चुका है, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर लॉकडाउन चल रहे हैं यार, ये भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है कैसा COVID-19 का सिचुएशन है। और कल गोवा में 157 न्यू कोविड केसेस सामने आए थे, उससे पहले 190, मतलब यही रेशियो चल रहा है भाई। गोवा आना आपके लिए उचित होगा और नहीं आप डिसाइड करना भाई, और वीडियो को एक लाइक जरूर देना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वेलकम टू माय चैनल मस्त लाइफ एंड मेरा नाम अमित कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं, सारे आप लोग यही सोच रहे हो कहीं से मुझे ऐसा कुछ मैसेज मिल जाए जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि गोवा कब ट्रेवल करना अच्छा होगा 2020 में। मॉर्निंग से मुझे मैसेज मिल रहा था इंस्टाग्राम पर, मैंने बहुत लोगों से बात किया, एटलीस्ट 10 से 12 लोगों से मैंने इंस्टाग्राम पर बात किया और अपना मैंने एक जेन्युइन जो ओपिनियन और जो फीडबैक होता मैंने उनको दिया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इस पर एक छोटी सी बात आपसे जरूर करनी चाहिए, जो मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। और अगर फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर हो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना अगर आज की वीडियो आपको पसंद आया। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम बात आपसे ये करना चाहते हैं, जो अप्रैल और मई में जो लोग गोवा के लिए जो टूर प्लान किया था उन्होंने ड्यू टू COVID-19 अपने प्लान को स्टॉप कर दिया, होटल को कॉल किया भाई मैं नहीं आ रहा, फ्लाइट साथ में वैसा ही हुआ, पोस्टपोन। मगर अभी क्या हो रहा है, उन सारे लोगों को कॉल जा रहा है होटल से भी और एयरलाइन से भी कि आपको अगस्त और सितंबर से पहले आपको गोवा का ट्रिप करना है, मतलब जंगल है, जंगल में शेर बैठा हुआ है और आपको उस शेर से जाके लड़ना है। अब बात तो यही हो गई ना, अब यही तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना। अगर आप हमसे पूछो गोवा के अभी सिचुएशन क्या है, आपको एक छोटी सी और स्टोरी आपको सुनाता हूं। आज का न्यूज मैंने देखा और हमने जो सुना, जो हमने देखे अपने आंखों से, आज फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन गोवा में लॉकडाउन है। मगर अगर आप कल जाकर अगर मार्केट में देखते ना तो सारे लोग अपने बड़े बड़े बैग लेकर जाके शॉपिंग कर रहे थे, इतना शॉपिंग किया कि ताकि ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन और आगे बढ़ने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मगर 10 अगस्त तक गोवा में लॉकडाउन है, जनता कर्फ्यू लॉकडाउन है, जो नाइट में लगाया गया 8 PM से 6 AM तक लगाया गया है। मगर जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है हर जगह, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आपको क्लू और इंडिकेट ही कर सकता हूं, हर चीज मैं आपको यहां पर नहीं कह सकता हूं जो आप सुनना चाहते हो। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, मस्त लाइफ अमित कुमार गोवा, वहां पर चलकर मैं आपसे बात कर लूंगा। जो भी डाउट होगा ना मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। अब उससे पहले इस पर बात करते हैं, गोवा क्या अभी आना आपके लिए उचित होगा? तो मेरा कहना है नहीं, अभी आपको गोवा आना उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गोवा में होटल हैं। गोवा में ओनली 200-300 होटल नहीं, गोवा में मोर देन 1000 होटल हैं और बहुत सारे 5-स्टार होटल हैं, बहुत सारे 4-स्टार थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, मगर अभी आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। बहुत सारे होटल एंड रिजॉर्ट ने भी डिसाइड किया है कि अभी वो लोग रीओपनिंग नहीं करने वाले हैं, ये सोच रहे हैं कि अब अक्टूबर में शायद फिर से वही रौनक वापस आए। तो मैं आपसे यहां पे ये भी नहीं बोला कि आप अपने लिए अक्टूबर के लिए बुकिंग करा लेना, आप इंतजार करो, आप ये देखो कब तक इंडिया में COVID-19 का सिचुएशन थोड़ा कम हो रहा, उसके बाद ही आप घर से बाहर जाने के लिए सोचना यार। और आप एक दूसरे स्टेट में जा रहे हो एज ए टूरिस्ट, तो यार यहाँ अभी आपको बहुत सोचने की जरूरत है। तो 22 मार्च जब हमारे देश में बस कुछ डबल और ट्रिपल डिजिट में ही हमारे यहाँ COVID-19 था और आज हमारे देश में लैक्स में है, तो आप ये सोचो उस समय हमारे पास कितने डर थे जब हमारे पास 200-300 COVID-19 थे और आज यहाँ लैक्स में चल रहे हैं यार, तो आप कैसे अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर जा सकते हो? तो अब ये आप पर सोचना है कि आप क्या सोचते हो। आपके लिए मोर इम्पोर्टेंट पैसा है, जो पैसा ऑलरेडी लग चुका है, और आपकी फैमिली और आपकी सुरक्षा है। तो इस पर आपको ही सोचना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मगर हाँ मैं आपको एक अच्छा आइडिया जरूर दे सकता हूँ अभी आपको क्या करना चाहिए। आपने मुझे देखा, मैं गोवा में हूँ, क्या लगता है गोवा में रहने के बाद एक इंसान बंद कमरे में रहना पसंद करता है? नहीं, वो इंसान चाहता है कि जाए बीच पर, जाए कुछ ऐसे जगह पर, जाए वाटरफॉल पर, जाए जहां पर यार जाने के बाद लगे कि यस गोवा में हूं। मगर आप देखो हम सब सारे एक रूम में कैद हैं, एक रूम में पैक हैं। तो आपको भी आप जहां हो वहीं रहो, आप बात करो होटल वाले से, एयरलाइन से भी हो सकता है,
सब चीज बैक टू नॉर्मल हो जाए 2-3 मंथ में, और ये भी हो सकता है कि अगले साल तक भी जा सकता है। प्लीज बिलो द कमेंट बॉक्स में जरूर अपना ओपिनियन रखना कि जो COVID-19 जो चल रहा है कब तक रहेगा, कब तक हमारे बीच में कोई वैक्सीन और मेडिसिन आ सकता है। प्लीज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कमेंट पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि आप एक जेन्युइन फीडबैक देते हो। तो प्लीज डोंट फॉरगेट, आप अपना जेन्युइन ओपिनियन जो फीडबैक है जरूर मेंशन करना COVID-19 के लिए। और क्या हम सभी को अभी कहीं ट्रेवल करना चाहिए और नहीं? हमने भी बहुत सारे प्लान बनाया था घूमने के लिए, मगर मैंने सारे उसको अभी पोस्टपोन कर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि 2020 तक मैं कहीं जाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मस्त लाइफ अमित कुमार। आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं कल शाम 6:30 कुछ इसी तरह की वीडियो लेकर आ जाएंगे। अदरवाइज अभी हमारे पास और भी कुछ टॉपिक है जिस टॉपिक पर हम बात आपसे कर लेंगे, मगर मुझे जब इंस्टाग्राम पे लोग कुछ पूछते हैं और मुझे लगता है ऐसा कि नहीं इस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आना चाहिए, मैं लेकर आ जाता हूँ। सो मच फॉर वॉचिंग मस्त लाइफ अमित कुमार। चलो बाय एंड टेक केयर, कल मिलते हैं 6:30।